हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KSM ट्यूटोरियल। आम आज दशम श्रेणीर द्वितीय अध्याय माध्यमिक बीजगणित बहर द्विघात समीकरण प्रयोग बेसिक कनसेप्ट गुड़ाक आलोचना करवा है। द्विघात समीकरण प्रयोग कौट एमती प्रयोग कर द्विघात समीकरण है एप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो केतेक पाटीगणित प्रश्नर समाधान द्विघात समीकरण समाधान आवश्यकता पड़ता है। पाटीगणित प्रश्नर तर्जमा और अनुशीलन आवश्यक या उत्तर को एक अज्ञात राशि रूपे नहीं एक द्विघात समीकरण गठन करा जाए। देखो किसी आम एग्जांपल करवा से एग्जांपल कलाने तुम्हें ठीक से जापर केमती होती है ना। देखो गोटे उदाहरण अच्छी गोटे संख्या और यार धनात्मक वर्गमूल समष्टि 90 हेले संख्याटी निर्णय कर। कही गोटे संख्या तर धनात्मक वर्गमूल समष्टि 90 हेले संख्याटी निर्णय कर। देखो समाधान केमती कर मन कर जो संख्याटा हो एक्सक्वेयर एक्सक्वेयर धनात्मक वर्गमूल के प्लस एक्स हम है कि दत्त अच्छी गोटे संख्या और यार धनात्मक वर्गमूल समष्टि 90। तो देखो प्रश्न अनुसार आम कौन देखे आम जो संख्याटा को धरवा एक्सक्वेयर तो तरह एक्सक्वेयर धनात्मक वर्गमूल केते हम एक्स हम। तो देखो एक तार मैंने गोटे संख्या तर धनात्मक वर्गमूल समष्टि के 90। तो प्रश्न अनुसार एक्सक्वेयर प्लस एक्स मान के 90। तो देखो एक्स आम इना कौन करवा समीकरण टाइम देखो एक्सक्वेयर प्लस एक्स इन 90 टाक पटे नहीं आसने कौन माइनस 90 समान 0। तो देखो एमती दुटा संख्या नब युक्त कले के हम एक्स हम वन एक्स हम आउ गुण कले के हम 90 हे। तो देखो मुझे दुटा संख्या नेली गोटे हूँ 10 नेली गोटे 9 हूँ 10 रु एक्स वियोग 10 एक्स रु 9 एक्स वियोग कले के हम एक्स हम आउ 10 गुण माइनस 9 कले के हम माइनस 90 हे। तो देखो एक्सक्वेयर प्लस 10 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 90 समान 0 कमन दुटा को नहीं जीव कमन एक्स कमन गला तो गुण करब एक्स इंटु के एक्सक्वेयर एक्स इंटु 10 के 10 एक्स। तो है देख एक्स इंटु एक्स प्लस 10 माइनस 9 इंटु एक्स प्लस 10 देख हो गला गुण कले माइनस 9 होता माइनस और प्लस के माइनस 9 इंटु 10 के माइनस 90। तो देखो एक्स प्लस 10 एटी भी अच्छी ये भी देखो एक्स प्लस 10 अच्छी तमें एक्स प्लस 10 गोटे लिखिदेव तपर एक्स माइनस 9 समान 0। तो देखो एक्स प्लस 10 इंटु एक्स माइनस 9 समान 0 तमें कौन जानपर एक्स प्लस 10 समान 0 कि एक्स माइनस 9 समान 0। तो एक्स समान के प्लस 10 टापटे आसले हम माइनस 10 ये माइनस 9 टापटे आसले कौन हम प्लस 9। जेहेतु देख संख्यार वर्गमूल धनात्मक एक्स समान के माइनस 10 हे ना जेहेतु आम धनात्मक संख्या कही धनात्मक वर्ग धनात्मक गोटे संख्या तो धनात्मक वर्गमूल समी ला। तो जेहेतु ये कौन है ये ऋणात्मक संख्या है तेज कौन हम एक्स समान माइनस 10 हे ना। तो केव एक्सट्रा एक्सट्रा हम 9 तेज एक्स समान है 9। तो तेज संख्याटी हम के स्क्वेयर एक्सट्रा के 9 तो 9 रु स्क्वेयर हम 81। तो तेज लिखिदेव निर्णय संख्याटी हम 81 यहाँ हूँ एनसर। देख विकल्प प्रणाली तार गोटे प्रणाली भी अच्छी तुम्हें सेटार जब जी बुझ न पार यार भी करोटा भी सेटार भी करें भी ठीक हे कि यदि करटार भी हमें भी ठीक हे। देख आम कही कौन गोटे संख्या और तहार धनात्मक वर्गमूल समष्टि 90 थी हेल्ला संख्या निर्णय कर। धर मुझ मन कर जो संख्याटा को नी एक्सटा कौन नहीं एक्सक्वेयर नहीं कि मन कर जो संख्याटा को मन नी एक्स तेज एक्स धनात्मक वर्गमूल के रूट ओवर अफ एक्स हम लाकिन दत्त अच्छी जे गोटे संख्या यार धनात्मक वर्गमूल समष्टि के 90। तो प्रश्न अनुसार एक्स प्लस रूट ओवर अफ एक्स समान 90 कौन कही धनात्मक संख्या मानने एक्स हूँ धनात्मक संख्या तार वर्गमूल तो के प्लस 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 रूट ओवर अफ एक्स तो प्लस टा लिखा दरकार नहीं तो एक्स प्लस रूट ओवर अफ एक्स समान 90। तो देखो रूट ओवर अफ एक्स समान के 90 माइनस एक्स जी तर आम वर्ग नहीं जावा उभय पार्श्व वर्ग ने कौन हम ए रूट एक्स इंटु रूट एक्स के एक्स हे तो 90 माइनस एक्स रक्वेयर है तर वर्गमूलटा उठीगला। तो देखो एक्स समान के ए माइनस बी रोल स्क्वेयर सूत्र पड़ा ए माइनस बी रोल स्क्वेयर सूत्र कौन ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर यहाँ आम जानचे ए माइनस बी स्क्वेयर सूत्र कौन ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर यहाँ आम जानचे। तो ये फर्मूला देख ये पढ़ला देख एटा के 90 बी के बी हूँ एक्स तो 90 रो स्क्वेयर माइनस 2ab 2 इंटु ए के 90 बी के एक्स 2 इंटु 90 इंटु एक्स प्लस एक्स रो स्क्वेयर बी स्क्वेयर जोटा है। तो देख एक्स समान के 90 रो स्क्वेयर के 8100 है देख 8100 माइनस 2 इंटु 90 के 180 180 तो के माइनस 180
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो देखो एटा पटे नहीं आसवा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पटे आसा कौन प्लस पटे आसे माइनस एक्स स्क्वायर हे तो देखो ये प्लस एक्स एटा के माइनस एट वन एटी एक्स टा के प्लस वन एटी एक्स तो देखो ये हूँ एट हंड्रेड है एट्टी वन हंड्रेड है एकाशी सौ देख तो आम ए माइनस एक्स स्क्वायर लिखिदले देख एक्स युक्त एकश अशी के एकश एकाशी एक्स होगा देख ये ये एट एकाशी सौ जन एट पड़े कौन हम माइनास एकाशी सौ हम सामान जीरो हम तो माइनास गोटे कमन नहीं कमन नहीं गले कौन हम एक्स स्क्वायर प्लसटा कौन हम जो माइनास कमन सैन चेज प्लस हम माइनास माइनास है प्लस एक्स स्क्वायर माइनास एकश एकाशी एक्स प्लस एकाशी सौ सामान जीरो तो देख ए माइनासटा पटे पड़ेगा तो कौन हम कैनसल हो जीरो माइनास कैनसल जीरो होगा तो देख एक्स स्क्वायर माइनास एकश एकाशी एक्स प्लस एकाशी सौ सामान जीरो तो देख एक्स स्क्वायर माइनास केकश एकाशी एमती दुटा संख्या ना युक्त कले के माइनास एकश एकाशी एक्स हम आ गुण कले के एकाशी सौ हम तो देख एक्स स्क्वायर माइनास शहे एक्स आउ माइनास एकाशी एकाशी एक्स युक्त कले के माइनास एकश एकाशी है आ गुण कले के माइनास शहे इंटू माइनास एकाशी कह प्लस एकाशी सौ बुझीगला तो देखो ये दुटा संख्या भितर कमन नहीं जावा एक्स इंटू एक्स माइनास शहे माइनास एकाशी सौ इंटु एक्स माइनास शहे देख एक्स इंटू एक्स एक्सपायर है एक्स इंटू माइनास शहे एक्स के माइनास शहे एक्स है माइनास एकाशी इंटु एक्स के माइनास एकाशी एक्स माइनास आउ माइनास कौन है प्लस एकाशी इंटू शहे के एकाशी सौ सामान जीरो तो देख एक्स माइनास शहे यहाँ हम एक्स माइनास के दुटा जाक सामान अच्छी एक्स माइनास शहे तापर हम देख एक्स माइनास एकाशी सामान जीरो तो एक्स माइनास शहे सामान जीरो आउ गोटे हम कौन एक्स माइनास एकाशी सामान जीरो तो एक्स माइनास शहे सामान के जीरो किंवा एक्स माइनास एकाशी सामान जीरो तो एक्स सामान जीरो किंवा एक्स सामान है एकाशी तो देख एक्स सामान शहे पाई तो समीकरण सिद्ध हेन देख मुझे एक्स जगार मुझे कौन देखी ये एक आम समीकरणटा कौन थी एक्स प्लस रुट ओवर ऑफ एक्स सामान नाइंटी जदि मुझे देख एक्स जगार के शहे नी रुट ओवर ऑफ एक्स जगार मुझे शहे नी शहर रुट ओवर के दस तो शहे युद्ध दस के शहे दस कितु ये के नबे अच्छी तेणु ये कैनसल है जदि मुझे देख एक्स जगार एकाशी नेबी एकाशी बाहर गोटे एक्स एकाशी नेबी एकाशी प्लस एकाशी रुट ओवर तो एकाशी रुट ओवर के नौ एकाश युक्त नौ सामान के नबे तो ये हूँ ठीक तो कौन है तेज समीकरण एक्स सामान के सिद्ध हम समीकरणटा एक्स सामान एकाशी ने स्रोत समीकरण टी सिद्ध हेब बा हुए अत लिखिदेव निर्णय संख्याटी तेज केणय संख्याटी हम एट्टी वन है देख आ गोटे उदाहरण अच्छी दुई गोटी संख्यार समष्टि पंद्रह और सेमानंकर व्युत्क्रम राशिद्वय समष्टि तीन विभक्त दस हेले संख्याद्वय निरूपण कर देख समान दुई गोटी संख्यार समष्टि के पंद्रह मन कर जदि गोटे संख्या एक्स नेबी तेज अन्य संख्याटी के फिफ्टीन माइनास एक्स हम जदि गोटेटा पंद्रह है गोटे एक्स हम जो संख्याद्वय समष्टि तो मैं दुईटा मिसले के शहे दरकार जब देख गोटे जदि एक्स नेली आ गोटे मुझे कौन नेबी पंद्रह माइनास एक्स तो देख प्लस एक्स माइनास एक्स कटिगले के फिफ्टन रहा ना नहीं तार मैंने गोटे जब मुझे एक्स नेबी अन्य संख्याटा के अन्य संख्याटा हम फिफ्टन हम बुझीगला तो आम देख दुईट संख्यार समष्टि हूँ फिफ्टन तो मन कर जो गोटे संख्या एक्स है तेज अन्य संख्याटी है फिफ्टन माइनास एक्स तेज एक्सर व्युत्क्रम के वन बै एक्स और फिफ्टन माइनास एक्सर व्युत्क्रम के वन बै फिफ्टन माइनास एक्स कि दत्त अच्छी संख्याद्वय व्युत्क्रम राशिद्वय समष्टि सहित समष्टि केन विभक्त दस दत्त अच्छी कौन ना संख्याद्वय समष्टि है सेमानंकर व्युत्क्रम राशिद्वय समष्टि केन विभक्त दस तो देख प्रश्न अनुसार एक्सर व्युत्क्रम के वन बै एक्स प्लस फिफ्टन माइनास एक्सर व्युत्क्रम के वन बै फिफ्टन माइनास एक्स सामान के लिखिद तीन विभक्त दस लिखिदे तो देख लसागु नहीं जीव एक्स इंटू के एक्स इंटू फिफ्टन एक्स लिखिदेल तापर काटिजी एक्स एक्स रहा कौन ना फिफ्टन माइनास फिफ्टन माइनास एक्स इंटू वन है फिफ्टन माइनास एक्स पुणी फिफ्टन एक्स फिफ्टन माइनास एक्स फिफ्टन माइनास काटिजी रहा कौन ना एक्स एक्स इंटू वन के एक्स हे तो सामान के तीन मत दस तो देख प्लस एक्स माइनास काटिगला तो रहा कौन ना फिफ्टन बाय फिफ्टन एक्स एटा गुण करदेव एक्स इंटू फिफ्टन के फिफ्टन एक्स एक्स इंटू माइनास एक्स के माइनास एक्स स्क्वायर सामान तीन विभक्त दस तो देख इनको बज्र गुणन करदे थ्री इंटू फिफ्टन एक्स माइनास एक्स स्क्वायर सामान फिफ्टन इंटू टेन बुझी तो देख थ्री इंटू फिफ्टन एक्स के फोर्टी फाइव एक्स थ्री इंटू माइनास एक्स स्क्वायर है माइनास थ्री एक्स स्क्वायर सामान फिफ्टन इंटू टेन के वन फिफ्टी तो देख माइनास थ्री एक्स स्क्वायर तापर फोर्टी फाइव थ्री इंटू फिफ्टन फोर्टी फाइव एक्स होता है तो माइनास थ्री एक्स स्क्वायर तो लिख फोर्टी फाइव एक्स
ଏପଟେ ଅଛି କ'ଣ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ହେଲା, ତ ଏପଟେ ନେଇଆସିବା କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସମାନ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲି, ଦେଖ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ତୋର ମାଇନସ୍, ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା କମନ୍ ନେଇଯାଇଛି ମାଇନସ୍, ତୋର ଏ ପ୍ଲସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଇଏ ମାଇନସ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଇଏ ମାଇନସ୍ଟା ପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ଜିରୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲେ, ଜିରୋ ହେଇଗଲା କିଛି ଦରକାର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜିରୋ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ରହିଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସମାନ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କମନ୍ ନେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ଅଛି ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଅଛି, ତ କମନ୍ କେତେ ଯିବ ଥ୍ରୀ କମନ୍ ଗଲା, ତ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ପଇଁଚାଳିଶ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ ପଚାଶ, ପଚାଶ ପଞ୍ଚ ତିନି କେତେ ହେଉଛି ଏକଶହ ପଚାଶ ସମାନ ଜିରୋ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ଥ୍ରୀଟା, ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ହରଣ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫିଫ୍ଟି ସମାନ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଯୁକ୍ତ କଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ହେବ, ଆଉ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ ଫିଫ୍ଟି ହେବ। ତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ କଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ କେତେ ହେଲା ଫିଫ୍ଟି, କାରଣ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ କେତେ ହେବ ଫିଫ୍ଟି ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଇନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା କମନ୍ ହେଇଯିବ, କମନ୍ କେତେ ଯିବ ଏକ୍ସ କମନ୍ ଗଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ତ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ, ତ କମନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇଟାରୁ ଆମେ କେତେ କମନ୍ ଯିବ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ, ଦେଖ ଫାଇଭ୍ କମନ୍ ଯିବ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ତ କେତେ ହେବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫିଫ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଥରେ ଲେଖିଦେବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ସମାନ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସମାନ ଜିରୋ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ସମାନ ଜିରୋ, ତ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେଲା ଟେନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସମାନ ହେଲା କେତେ ଫାଇଭ୍। ଦେଖ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦଶ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଦଶ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଆମର ବାହାରିଛି କେତେ ଏକ୍ସ ସମାନ ଫାଇଭ୍ ବାହାରିଛି, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବାହାରିଛି ଏକ୍ସ ସମାନ ଟେନ୍ ବାହାରିଛି, ଓ ତେବେ ଲେଖିଦେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ ଫାଇଭ୍ ଓ ଟେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼େ ହେଲା, ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ବୁଝିବ ହେଲା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଦେଖ ଏକ ନୌକାର ବେଗ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏଗାର କିଲୋମିଟର, ଏହା ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁକୂଳରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଲା, ତେବେ ସ୍ରୋତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନୌକାଟେ ତ ଯାଉଛି ବେଗ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଜଳରେ, ତାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ଦେଇଛି ଏଗାର କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି, ଏହା ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତ ବାର କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ଆଉ ଫେରୁଛି କେତେବେଳେ ଫେରି ଆସକୁ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଛି ସେ ସେଇଟା ଜାଣି ଆମକୁ ଦେଇନି, ତେବେ ସ୍ରୋତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେତେ କହିଛି। ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ମନେ କରାଯାଉ ସ୍ରୋତର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହେଉଛି ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର, କାଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖ କେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଦେଖ କେଉଁଟା ମାଗିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଦେଇଛି ନୌକାର, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଗିଛି ଯେ ସ୍ରୋତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେଉଁଟା ମାଗିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେବା ହେଲା। ଦେଖ ମନେ କରାଯାଉ ସ୍ରୋତର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର, ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ କେତେ ହେବ, ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ, କାରଣ ସେ ଇଲେଭେନ୍ କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ନୌକାର ସ୍ଥିର ଜଳରେ ବେଗ, ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ହେବ ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ କେତେ ହେବ, ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ହେବ, କାରଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଯଦି ଏଗାର କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ରୋତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ନେଇଛେ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର, ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ କେତେ ହେବ, ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ତେବେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ, ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଉଛି ପୁଣି ଅନୁକୂଳରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛି ପୁନଶ୍ଚ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରତିକୂଳରେ କେତେ ଲାଗିଲା ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ କେତେ ରହୁଛି, ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଦେଖ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଯାଇଥିଲା ନା, ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ସେ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ଲାଗିବ, ଦେଖ ପ୍ରତିକୂଳ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ତ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ତାକୁ ସମୟ କେତେ ନା, ଇଲେଭେନ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଅନୁକୂଳରେ ସ୍ରୋତର ବେଗ ଯଦି ଆମେ ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ନୌକାର ବେଗ ଯଦି ଯାଉଛି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ତେବେ ଏବାର ଟୁଏଲ୍ଭ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ଆମେ ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି କେତେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଦେଖ ଟୁଏଲ୍ଭ ବିଭକ୍ତ ଇଲେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ବିଭକ୍ତ ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା
45 मिनिट हैला तो देखो आमे एटा को आमे लसा को नै जिबा 11 माइनस x आउ कोन नामा 11 माइनस x इनटू 11 प्लस x एगो लसा को नै ले कोन हो 11 x 11 कटि जिवो तो 12 इनटू 11 प्लस x प्लस 12 तो 11 x 11 प्लस x तो 11 x प्लस कटि जिवो रहला कोन ना 11 माइनस x 12 इनटू 11 माइनस x समान होची केते एटा काटि देबो 2 घंटा 50 मिनिट को आमे केते घंटा रे परिणत कोले 1 मिनिट केते एक घंटा कैसे षाठी मिनट हेल्ले कैसे हम गोटे घंटा हम तो घंटा गले दुई घंटा पैंचाश विभक्त षाठी घंटा आम करदेवे है बुझीहर देख काटिदेव कैसे पैंतीस पैंतीस पंचाठी तब दुई पूर्ण तीन विभक्त चार घंटा तो दुई पूर्ण तीन विभक्त चार्टा के चार दुनिया आठ आठ तीन एगार एगार विभक्त चार घंटा तो देखो गुणन कर ए माइनस बी एटा रहा कौन ए प्लस बी ए माइनस बी इंटु ए प्लस बी सूत्र कौन ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखिदेव ए के इलेवेन इलेवेन स्क्वायर माइनस बी के बी हूँ एक्स इलेवेन स्क्वायर माइनस एक्स रो स्क्वायर तो यहाँ गुणन कर ट्वेल्व इंटु इलेवेन के वन थर्टी टू प्लस ट्वेल्व इंटु एक्स के ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व इंटु वन के इलेवेन के वन थर्टी टू माइनस ट्वेल्व इंटु एक्स के माइनस ट्वेल्व एक्स सामान गुण चार दुन आठ आठ तीन आठ तीन के एगार विभक्त चार तो देख ये प्लस ट्वेल्व एक्स आउ माइनस ट्वेल्व एक्स काटि तो कैसे रहा वन थर्टी टू प्लस वन थर्टी टू के टू सिक्सटी फोर बाय इलेवेन स्क्वायर के वन ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर सामान इलेवेन बै फोर तो देख ये वज्र गुणन करदेव के इलेवेन इंटु वन ट्वेंटी वन माइनस एक्स स्क्वायर सामान फोर इंटु टू सिक्सटी फोर है देख तो इलेवेन इंटु वन ट्वेंटी वन के वन 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 थाउजेंड थर्टी थ्री हंड्रेड थर्टी वन बा देश तेतीस माइनस इलेवेन इंटु एक्स स्क्वायर के माइनस इलेवेन स्क्वायर चार गुण चौसठी के हजार छपन तो देख ये माइनस इलेवेन एक्स इलेवेन एक्स स्क्वायर सामान के ये जो हजार छपन अच्छे एपटे येपटे प्लस अच्छी एपटे थी कौन हम माइनस हम हजार छपन माइनस तेरह सौ तेतीस तो इले तो एगार माइनस एटा कहते माइनस एगार एगार एक्स स्क्वायर तो ये जेहतु संख्या माइनस वियोग कले के माइनस हे तो माइनस दुई सौ पचस्तरी हे है तो देख माइनस माइनस कैनसल होगा उभ पार्श्व माइनस कैनसल होगा तो इलेवेन एक्स स्क्वायर सामान के टू हंड्रेड सेवेन्टी फाइव तो एक्स स्क्वायर सामान के टू हंड्रेड सेवेन्टी फाइव हरण एगार तो एक्स स्क्वायर सामान के टू से टू हंड्रेड सेवेन्टी फाइव हरण एगार काटिदेव के ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर समिति ट्वेंटी फाइव एक्स सामान के फाइव अतएव सतर घंटा प्रति बेग हम फाइव किलोमीटर बुझीगला तुम्हर यह सब उदाहरण गुड़ाक टिकिंग भाव में मुझे आलोचना कली आशा करुच्छी भल से पे भिडियो बुझीपार नेक्स्ट भिडियो पे अनुशीलन टू भी करवा पिलामाने भिडियोटा को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिव तापर बेल आइकन टाकु दबाई दबो जहाँ फलो रे कि मोर भिडियो आसे तुम पाखकु नोटिफिकेशन पड़ेबो थैंक यू।